स्टार दिख रहा है वो दूर बस। तो ये देखें, मैंने इतनी अच्छी मेहंदी लगाई है, थोड़ी सी वो फोन का मसला हुआ है। लीजा, आप अपने हिसाब से नहीं बोला, आप दूसरों को बोलने का मौका दीजिए। लीजा के लिए ये वाला समझ में आ रहा है। तो भाई मम्मा को कुछ समझ में नहीं आ रहा, चौथी दुकान पर आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अमरन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीट अमरा। तो आज आखिरी रोज़ है, आप सबको जुम्मतुल विदा बहुत बहुत मुबारक हो। और हमने कोई नए कपड़े वपड़े नहीं पहने हुए क्योंकि हमें किचन में ही काम करना था, तो हम नए कपड़े अपने कल परसों परसों पहनेंगे। और कल इसलिए वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मम्मा की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो हमें उनको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। तो हम लोगों को दुआओं में याद रखें। और आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि चांद नज़र आया कि नहीं। वैसे तो चांसेस हैं कि नज़र आ ही जाएगा। और इफ्तार का अच्छा अहतमाम कर दें क्योंकि आखिरी इफ्तारी होने वाली है। और ईद की तैयारियां, मेहंदी वेहंदी लगाएंगे, सब दिखाएंगे, तो वीडियो पूरी देखें। तो अपने दोस्तों की फरमाइश पर मैं इसको गिफ्ट ट्राई कर रही हूँ आज। और जैसे उन लोगों ने मुझे टिप्स दी थी वैसे कर रहा है। और ये देखें माशाल्लाह, मेरी कटोरी फूल रही है आज। तेल टपक रहा है, वो तेल में बनी है अभी, वो हो जाएगा। और जो कुर्सी पे आपको कुर्ता दिखाई दे रहा है ये अजलान का है। हाँ। मम्मा ने आज जुम्मतुल विदा के लिए उसके लिए सी कर रखा था। तो ये देखें, ये इसकी मुझे टिप दी है, उसमें अफशान है और दुआ है। तो उन्होंने कहा था किस तरीके से बनानी है, जो मुझसे गलती हुई थी, तो मैंने उन लोगों की टिप आजमाई है। तो थैंक यू सो मच अफशान और दुआ, अगर व्लॉग देखें तो। स्टार दिख रहा है वो दूर बस। चांद देख रहे, स्टार उधर नजर आ रहा है, चांद कहीं इधर उधर तो दिखाई कहीं तो। मेरे ख्याल से चांद उस साइड से आएगा नजर, क्योंकि रात के 10 बजे उधर से ऊपर आ रहा होता है। अजलान बेबी सोकर उठ गए, चांद देखने आ रहे हैं। चलो आओ ऊपर, चलो आओ आओ, चांद देखने जाएंगे ऊपर। वाओ देखिए कितना क्यूट लग रहे हैं अजलान, वाओ इतने प्यारे प्यारे कपड़े पहन लिए, वाओ 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 वाओ। तो ये देखिए मैंने इतनी अच्छी मेहंदी लगाई है, थोड़ी सी वो फोन का मसला हुआ है। प्लीज आप अपने हिसाब से नहीं बोला, आप दूसरों को बोलने का मौका दीजिए। मैंने बहुत ही फजूल मेहंदी लगाई, ये देख ले आप, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा वाजा फर्क दिखाई देगा। सुनो वो कौन सही नहीं है, वो कौन मोटी है, मोटा निकाल रही है, इसलिए आपको दिखाई देगा। जब मैं अपने लगाऊंगी तो आप लोग देख लीजिएगा। ये देखें आप, ये इतना सा यहाँ पे, एक तो अपना हाथ छोड़कर मेरा देख ले, अपना छोड़कर इनके पहले लगाओ और नखरे देख ले। आप देखिए यहाँ पे फर्क कितना है, ये देखे इतना ज्यादा। और जो डिजाइन, ये देखिए अम्मी मुझे मार्केट लेकर जा रही है इस वक्त, जो डिजाइन जो है मुझे लेकर चलो, मेरा मैचिंग दुपट्टा लेना। जो डिजाइन इन्होंने पिक्चर में देखा तो वो नहीं लगा, इन्होंने अपनी तरफ से लगाया कुछ भी बेकार किस्म का, बिल्कुल मेरी लाइफ मशहूर बनाए। ये अम्मी कल हॉस्पिटल में एडमिट होकर रही हैं और आप देख लें अभी मार्केट जा रही हैं मेरे साथ, मुझे भी लेकर जा रही हैं। हाँ और मेरा दुपट्टा नहीं है मेरे पास, अंदर बगैर दुपट्टे के कैसे सूट पहन सकते हैं, अल्लाह मसलूमियत देख लो। तो बंदा अपनी सेहत भी देख लेता है, खुद भी ख्वार होंगी, मुझे भी लेकर जा रही हूँ और फिर टाइम वेस्ट। अब तो जरा से बेहतर हो गई ना, जा सकती हूँ ना। चलो भाई चलो, आने के बाद पता चलेगा कैसी तबीयत, अल्लाह करे ठीक रहे, दुआ करिएगा आप लोग। तो भाई बाहर से लगवा लो, फ्री में मेहंदी आर्टिस्ट मिल गई है तो कदर ही नहीं हो रही। चलो जाओ, ये दुपट्टा लेने आ गए हम मैचिंग अम्मी का। अम्मी को ये वाला समझ में आ रहा है, ये वाला कितने का? हाँ 650। तो भाई मम्मा को कुछ समझ में नहीं आ रहा, चौथी दुकान पर आ रही हूँ, मैं हर जगह रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रही। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ समझ में आ रही है। ये वाला अच्छा लग रहा है, गोल्डन तारे, इससे फर्क नहीं पड़ता सूट पर तो उठ रहा है। अलीजा के लिए ये वाला देख रहे हैं, सही लग रहा है जी है। अलीजा के लिए ये वाला समझ में आ रहा है, निकाल कर देखे ना।
खोल ले अच्छा तो लग रहा है फाइनल बना है इसके। तो मम्मा का दुपट्टा ले लिया, वंजीता का लेने के लिए थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, दो दुपट्टे देख लिए लेकिन समझ में नहीं आ रहा। अब देखें तीसरे दुकान में जा रहे हैं, शुक्र है मम्मा का मिल गया। तो फाइनली दुपट्टे ले लिए, अब हम पीको करवाने जा रहे हैं, वो हम घर के पास से ही करवा लेंगे, शुक्र है जल्दी फ्री हो गया हम आधे घंटे में पहली दफ़ा। ये अलीजा का दुपट्टा पीको हो रहा है, अम्मी को टेंशन हो रही है उसको जरा सा ये पॉइंट पिंक से कर दिया। अब हम मेहंदी के कौन लेना है क्योंकि घर पर तो बहुत ही खराब मेहंदी अम्मी लेकर आई हैं। कितने की दे रहे हो? 50। इतना खुश हो रहा बिला, आज हमें कपड़े देखने लग गई हैं और रश इतना ज़्यादा हो गया है, मैं सोच रहा हूँ घर निकलें। अजलान के लिए ये चीज़ अच्छी है, मम्मी का दिल चाह गया कि कौन भी खा लेता, तो ये कौन लेने की कर रही है मम्मी। तो रश इतना ज़्यादा बढ़ गया और हमने ये स्लाइम मशीन देख ली, दिखाई है वो खाते स्लाइम मशीन, और हमारा कोई लड़की कह रही है स्लाइम मशीन हम लोग यूज़ कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ घर चलता है, टाइम वेस्ट कर रही हैं, मेहंदी भी लगानी है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर मेहंदी लगाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है, थोड़ी देर में होती है तो फिर तो कल ही दिखाऊंगी कि किसकी कैसी मेहंदी लगी। अब मैं सोच रही हूँ खाना वाना खा लूँ, अब मिलेंगे कल ईद के ब्लॉग में, तब तक टेक केयर एंड अल्लाह।